Hello guys, welcome back to the channel. My name is Judith Sylvester, not a chef, just a mom. First of all, I want to thank all of you for making me reach 700 subscribers. It means a lot to me. I seriously have no words because aaj main yahan tak pahunchi hu is just because of, you know, y'all. Y'all supported my channel so much and I'm so thrilled from inside, but I have no words to describe. But again, thank you. And ऐसे ही प्लीज़ यू नो चैनल को सपोर्ट करते रहना एंड यू नो कीप ऑन सपोर्टिंग इट. मैं इतना ही बोल पा रही हूँ अभी बिकॉज ये एक मेरे लिए काफ़ी यू नो इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट कि यू नो मैं यहाँ तक पहुँची हूँ. इज़ लाइक हाँ यू नो बिकॉज ऑफ यू ऑल. इट इज़ लाइक ऑल बिकॉज ऑफ यू ऑल. सो थैंक यू. एंड और आगे यू नो जाने के लिए लाइक यू नो आई विल नीड योर सपोर्ट. सो यू ऑल प्लीज़ कीप ऑन सपोर्टिंग माई चैनल, कीप ऑन लाइकिंग इट so that I can share more recipes with you all. So आज जो मैं बनाने वाली हूँ that is prawn curry, जो कि बहुत ही mild है, बहुत ही tasty भी है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ you know mild है और taste नहीं है. ये बच्चे लोग को भी बहुत पसंद आता है because in today's date like you know बच्चे लोग का कैसा रहता है कि हम खाना तो बना लेते हैं like you know क्योंकि हमें सबको देखना पड़ता है like you know इन लॉज देखने पड़ते हैं, पेरेंट्स देखने पड़ते हैं, हस्बैंड देखना पड़ता है कि यू नो हस्बैंड के लिए अगर हम बनाएं या फिर इन लॉज के लिए बनाएं या फिर पेरेंट्स के लिए बनाएं तो वो उनको उनका टेस्ट अलग रहता है. एंड हमारे जो बच्चे हैं बेचारे उनको कभी कभी स्पाइसी नहीं जमता. देयर आर मेनी किड्स की यू नो उनको स्पाइसी नहीं जमता. बट ये जो है ये एकदम बच्चे लोग के लिए भी अच्छा है एंड इट इज़ इवन फॉर यू नो पेरेंट्स बोलो, इन लॉज बोलो, हस्बैंड बोलो, इवन दे विल लव इट क्योंकि इसमें माइल्ड तो है लेकिन टेस्ट भी है. और ये ऐसा नहीं है कि यू नो दिस इज़ समथिंग कि हमें यू नो वी विल नॉट गेट इट इन द मार्केट. यू नो ये जो जो भी मैं लाइक यू नो आई एम गोइंग टू शो यू कि यू नो इंग्रेडिएंट्स जो भी है इट इज़ ऑल अवेलेबल इन आर किचन ओनली. एंड ये हमारे रोज की लाइक यू नो रेगुलर इसमें काम भी आता है तो दिस इज़ मेड आउट ऑफ दैट ओनली. तो ये काफ़ी यू नो इट इज़ गुड ऑल्सो. तो शुरू करने से पहले वंस अगेन थैंक यू सो मच एंड कीप ऑन शेयरिंग इट, कीप ऑन लाइकिंग इट, कीप ऑन सब्सक्राइबिंग टू इट. इट विल रियली मोटिवेट मी मोर सो दैट आई कैन यू नो गेट मोर गुड रेसिपीज एंड आई कैन शेयर इट विथ यू ऑल. तो प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, ऐसे ही यू नो सब्सक्राइब करते रहना, लाइक करते रहना एंड हो सके तो प्लीज़ शेयर करना. एंड सब मॉमीज़ को ये जब मैं अभी जो शेयर करने वाली हूँ द प्रॉन करी रेसिपी ये आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बता देना कि आपकी फैमिली को, आपके बच्चों को कैसा लगा. सो इट विल मोटिवेट मी मोर एंड आई कैन शेयर विथ यू ऑल मोर गुड रेसिपीज. तो हमारा फर्स्ट स्टेप है प्रॉन्स को मैरिनेट करने के लिए. तो हमें लगेगा प्रॉन्स, हल्दी, काला नमक, विनेगर और अदरक लहसुन का पेस्ट. तो अभी हमने प्रॉन्स को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है. अभी हम इसे एक दो घंटे के लिए फ्रिज में मैरिनेशन के लिए रख देंगे. करी बनाने के लिए हमने पैन में तेल गरम कर दिया है. अभी हम इसमें ज़ीरा ऐड कर रहे हैं. अभी हम इसमें अनियन पेस्ट ऐड करेंगे और उसे पकाएंगे जब तक ये ब्राउन ना हो जाए. अभी हमारी प्याज लाइट ब्राउन हो चुकी है. अभी हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरीके से भून लेंगे. अभी हम इसमें ऐड करेंगे टमाटो पेस्ट और इसे भी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे.
अच्छी तरीके से मिक्स होने के बाद अभी हम इसमें ऐड करेंगे कोकोनट पेस्ट, जिसे मैंने बनाया है यूजिंग कोकोनट, कोथमीर, पुदीना और हरी मिर्च। ऐसे थिक ग्रेवी होने के बाद अभी हम इसे ढक देंगे फॉर 5-10 मिनट्स। इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। पांच मिनट हो जाने के बाद अभी हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर। अभी ऐड करेंगे धनिया पाउडर। अभी हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी। अभी हम इसमें ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार। अभी हम सारे मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। सारे मसाले मिक्स हो गए हैं, अभी हम इसमें आलू ऐड करेंगे। अभी हम इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और अभी ढक देंगे जब तक आलू हमारे पक ना जाए। आलू 50% पक चुके हैं, अभी हम इसमें मैरिनेटेड प्रॉन्स ऐड करेंगे और हम दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और ढक देंगे 10-15 मिनट्स के लिए, ताकि आलू और प्रॉन्स अच्छी तरीके से पक जाए। ढकने से पहले हम इसमें 1/2 कप पानी ऐड कर देंगे। तो अभी हमारा डिलिशियस यमी प्रॉन करी रेडी है। अभी हम जाएंगे हमारी प्लेटिंग की तरफ। सो दिस इज हाउ आवर यमी एंड डिलिशियस प्रॉन करी लुक्स। आई हैव गार्निश्ड इट विद कोकोनट मिल्क एंड सर्व्ड इट विद व्हाइट प्लेन राइस। आई होप यू गाइस एंजॉय एंड लेट मी नो। Thank you all for watching the video. Please let me know in the comments how did you like it, especially the mommies. When you'll make the recipe, please let me know in the comments how did you like it, how did your kids like it. And once again, thank you to everyone for supporting my channel. And thank you again. And please don't forget to, you know, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। जो नए हैं चैनल पे, प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट व्हेन आई मेक अ न्यू वीडियो यू ऑल विल गेट द नोटिफिकेशन एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय, सी या, टेक केयर।